हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सीएसएस पढ़ा था, आज हम सीएसएस कलर्स पढ़ेंगे। सीएसएस में हम तीन चीज़ों को कलर करते हैं, किसी टैग के बैकग्राउंड को, उसके टेक्स्ट को या उसके बॉर्डर को। सीएसएस में हम चार तरीकों से कलर कर सकते हैं, कलर नेम से और आरजीबी कलर से और हेक्स कलर से या फिर एचएसएल कलर से। RGBA और HSLA को यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कलर नेम से कलर सेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। कलर नेम से कलर सेट करना बहुत ही इजी है। हमें जो भी कलर सेट करना होता है हम सिंपली उसका नेम लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं, CSS में बहुत सारे कलर्स हैं, आप उनको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हमें कोई कलर सेट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक index.html फाइल बनाई हुई है और एक style.css फाइल बनाई हुई है। मैंने style.css फाइल को index.html फाइल के साथ लिंक करवाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक div टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक h1 टैग लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सम एडिंग गोज हेयर। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ गया है। अब मैं style.css में जाता हूँ और यहाँ पर h1 पर कलर सेट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है कलर। अब हम कॉलन लगा के यहाँ पे जो कलर देना चाहते हैं उस कलर का नेम लिखेंगे। जैसे मुझे रेड कलर सेट करना है तो मैं रेड कलर लिखूंगा और इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम ब्लू कलर यहाँ पे देना चाहें तो हम लिखेंगे ब्लू और इसको हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। अब हम इस पर बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर में लिखता हूँ 2 pixel सॉलिड ब्लैक। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 pixel का सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, background-color। बैकग्राउंड कलर मैं लगाना चाहता हूँ सैंडी ब्राउन तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सैंडी ब्राउन। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए ये सैंडी ब्राउन कलर आ गया है। इस तरीके से आप कलर का नेम लिख के कलर को सेट कर सकते हैं। कलर को उसके नेम से सेट करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। अगर हम किन्हीं दो कलर्स को मिला के कोई एक कलर बनाना चाहें तो वो हम इसमें नहीं कर सकते। इसके लिए हम RGB या हेक्स कलर्स को यूज करते हैं। आगे हैं RGB कलर्स। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आप RGB कलर्स के थ्रू कलर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से RGB लिख के ब्रैकेट के अंदर 3 पैरामीटर पास करने होंगे। इन तीनों पैरामीटर्स में हम 0 से 255 तक की कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। आइए अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर मैं index.html वाली फाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम एक क्लास लगा देते हैं फर्स्ट पैरा और हम इसमें कुछ डमी टेक्स्ट डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं 14 डमी टेक्स्ट डाल लेता हूँ। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया। अब मैं style.css में आ जाता हूँ और इसको इसकी क्लास से हम टारगेट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट पैरा और मैंने कर्ली ब्रेसेस शुरू किया यहाँ पे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर RGB। अब जैसे हमें यहाँ पर रेड कलर लगाना है तो हम लिखेंगे 255। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो रेड कलर के लिए होती है और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो ग्रीन कलर के लिए और थर्ड वाली वैल्यू ब्लू कलर के लिए होती है। तो यहाँ पे हमने रेड कलर को सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी है 255 और ग्रीन और ब्लू को हमने 0 रखा है। अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर रेड कलर आ गया है। अगर हम ग्रीन कलर देना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पर हम 255 कर देंगे और हम इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया है। लेकिन हमें इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक न्यू कलर बनाना है तो हम यहाँ पर रेड में दे देंगे 1, 2, 3 और यहाँ पर हम सेट करते हैं 100 और अब हम यहाँ पर लिखते हैं 255 और अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इस तरीके का कलर इसमें आ गया है। अब हम इसके बाद इसमें बॉर्डर का कलर लगाते हैं तो हम लिखेंगे बॉर्डर और हमें जैसे ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाना है तो हम लिखेंगे 2 pixel सॉलिड RGB। हमें ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए हम तीनों की वैल्यू को 0 सेट करेंगे और हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 2 pixel का ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पे सेट हो गया है।
अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RGB, यहाँ पर मैं ग्रीन के लिए देता हूँ 233 और यहाँ पर 190 और 230। और अब हम सेमी कॉलन लगाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में इस तरीके का कलर इसमें सेट हो गया है। अब अगर हम इसमें वाइट कलर देना चाहें, जैसे मैं टेक्स्ट कलर को अब वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इन तीनों को 255 सेट कर दूंगा, 255 और यहाँ पर भी 255, और हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर इसमें सेट हो गया है। इस तरीके से आप RGB के थ्रू कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद है RGBA वैल्यू। RGBA भी RGB का ही पार्ट होता है। यहाँ पर A का मतलब होता है अल्फा चैनल। RGBA की हेल्प से हम बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। यहाँ पर एक चौथा पैरामीटर अल्फा ऐड हुआ है। यहाँ पर हम 0.0 से लेकर 1.0 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। 0.0 का मतलब होता है फुल ट्रांसपेरेंट, 1.0 का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। आइए अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने RGB कलर दिया हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी में एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम लिखते हैं URL, और यहाँ पर bg.jpg के नाम से मैंने एक यहाँ पर इमेज रखी हुई है, वो इमेज हमारे बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई है। अब मैं यहाँ पे RGB के बाद में लिख देता हूँ RGBA, और यहाँ पर ब्लू कलर की वैल्यू के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5। तो इससे 0.5 करने से यहाँ पे 50% ट्रांसपेरेंसी सेट हो जाएगी। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए 50% ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.2, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी और भी बढ़ गई है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.9, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। ये देखिए हम जितना 0 की तरफ बढ़ेंगे उतनी हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, और जितना 1 की तरफ बढ़ेंगे हमारी ट्रांसपेरेंसी उतनी कम होती जाएगी। इसके बाद है CSS हेक्स कलर्स। हेक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। CSS में हम हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू भी कलर सेट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का मतलब तो आपको पता ही होगा। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 डिजिट होते हैं और A से F तक अल्फाबेट होते हैं, जहां पर A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12 और D का मतलब होता है 13 और E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। यहां पर हम 6 कैरेक्टर्स लिखते हैं इस तरीके से हैश लगा के। फर्स्ट वाले 2 कैरेक्टर्स होते हैं रेड कलर के लिए, और बीच वाले 2 कैरेक्टर्स होते हैं ग्रीन कलर के लिए, और लास्ट वाले 2 कैरेक्टर्स होते हैं ब्लू कलर के लिए। इसमें हम सबसे मिनिमम वैल्यू 0 दे सकते हैं और सबसे मैक्सिमम वैल्यू F दे सकते हैं। आइए अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्लास दे देता हूँ सेकेंड पैरा, और अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया। अब हम यहाँ पे style.css में आके यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं सेकेंड पैरा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। अब जैसे मुझे इसका कलर सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश। CSS में हमें हेक्स कोड लिखने से पहले हैश लगाना पड़ता है। तो जैसे मैं रेड को 0 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा रेड के लिए 00 और ग्रीन के लिए 00 और ब्लू के लिए 00F। हमने ब्लू को फुल वैल्यू दे दी है और रेड और ग्रीन को हमने 0 रखा है। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्लू कलर यहाँ पे सेट हो गया है। अगर हम यहाँ पे ग्रीन कलर सेट करना चाहें, तो हम यहाँ पर 00 कर देंगे और बीच वाले 2 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे 00F कर देंगे, और हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की फुल वैल्यू सेट की है। अब इसके बाद हम बॉर्डर भी यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा बॉर्डर 2 pixel सॉलिड हैश, और बॉर्डर हमें जैसे सेट करना है ब्लैक कलर का, तो हम इसके लिए लिखेंगे 000। तीनों कलर्स को हम 0 वैल्यू देंगे और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया है। हम 6 कैरेक्टर्स की जगह पर 3 कैरेक्टर्स लिखकर भी ब्लैक कलर या कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर होगा वो रेड कलर के लिए होगा, और बीच वाला कैरेक्टर होगा ग्रीन कलर के लिए,
और थर्ड वाला करेक्टर जो होगा वो ब्लू कलर के लिए होगा। अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरीके से भी हम इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर और इसमें मैं दे देता हूँ #E74C3C। इसमें मैंने सेमी कॉलन लगाया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है। आपको ये कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद है HSL कलर। HSL का पूरा नाम होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। अगर आप HSL कोड के थ्रू कलर सेट करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से HSL लिखने के बाद ब्रैकेट में 3 पैरामीटर पास करने होंगे। जो फर्स्ट पैरामीटर है ह्यू, इसमें हम 0 से लेकर 360 तक की कोई भी वैल्यू हम पास करा सकते हैं, जहां पर 0 का मतलब होता है रेड, 120 का मतलब होता है ग्रीन, 240 का मतलब होता है ब्लू। सेचुरेशन यानी सेकंड वाले पैरामीटर में हम परसेंटेज वैल्यू देते हैं, 0% अगर हम देते हैं तो हमने जो भी कलर सेट किया है उस पर ग्रे कलर का इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम 100% देते हैं तो हमारे ग्रे कलर का इफेक्ट उस कलर पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है इसमें भी हम परसेंटेज वैल्यू देते हैं, अगर हम 0% रखते हैं तो हमारा कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और अगर 100% रखते हैं तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। यानी कि जो थर्ड वाला पैरामीटर है इससे ही हम सेट करते हैं कि हम अपने कलर को कितना डार्क या लाइट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ p.3rd para और यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं और इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे देखिए अब हम style.css में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 3rd para और यहाँ पे curly braces लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर और यहाँ पे अब हम लिखते हैं HSL। जैसे हम यहाँ पर ब्लू कलर सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर तो हम यहाँ पे लिखेंगे 240 कॉमा, क्योंकि ब्लू जो कलर है हमारा 240 से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम कलर को ग्रे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे देंगे 100% और हम कलर को कितना डार्क या लाइट रखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे सेट करेंगे तो हम 50% रखते हैं इसको। अब हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारा ब्लू कलर इसमें सेट हो गया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर कलर भी लगा देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ मैं 2 pixel सॉलिड HSL। बॉर्डर हमें ब्लैक ही लगाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0% और यहाँ पर 0% और इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर इसका सेट करते हैं, बैकग्राउंड हाइफन कलर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HSL और बैकग्राउंड में हम कोई कलर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100% और इसके बाद 50% सेमी कॉलन, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया है। अब जैसे मैं इस ग्रीन कलर को और भी डार्क करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20% और इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो ये देखिए ग्रीन कलर हमारा डार्क हो गया है। इस तरीके से हम HSL कोड के थ्रू भी कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद है HSLA कलर, इससे हम ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। इसमें भी 4 पैरामीटर्स होते हैं, चौथा पैरामीटर इसमें अल्फा ऐड किया गया है। इसमें हम 0.0 से 1.0 तक की कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं। आइए अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। मैं यहाँ पे HSL के बाद में A ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंसी देना चाहता हूँ 50%, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 और इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए 50% ट्रांसपेरेंसी सेट हो गई है। ये हमने HSLA के थ्रू किया है। तो इस तरीके से आप HSL कलर को यूज कर सकते हैं। HSL कलर को वेब डिजाइनर्स ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर RGB और हेक्स कलर को ही यूज किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।